that is the transgenerational epigenetic inheritance. अब ये टॉपिक तो बच्चों आप लोग बहुत बार पढ़ सकते हैं जब से मैंने आपको जीनोमिक्स पढ़ाना शुरू किया है. जब से मैंने आपको जीनोमिक्स पढ़ाना शुरू किया है मैं आपको पहले लेक्चर से ही जो है ना वो एपिजेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ. एपिजेनेटिक्स, एपिजिनोम, ठीक है, ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये जेनेटिक्स से कैसे डिफरेंट है, ठीक है. तो आज का लेक्चर जो है हम स्पेसिफिकली एपिजेनेटिक्स के ऊपर फोकस करेंगे और मैं भी आपसे पूछूंगी क्वेश्चंस. हम लोग बेसिकली एपिजेनेटिक्स पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि जो आपका ये न्यूट्रो जीनोमिक्स है इसमें हम एपिजेनेटिक चेंजेस देखते हैं, ठीक है, यानी वो चेंजेस जिस जो के जीन के एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हो, जिनकी वजह से जीन का एक्सप्रेशन चेंज होता हो, बजाय इसके कि जीन की सीक्वेंस चेंज हो रही है जीन का एक्सप्रेशन चेंज होता है. तो ये जो आज का लेक्चर है, अभी 14th लेक्चर, इट इज बेसिकली गोइंग टू फोकस ऑन द एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस. अब आपको नेम्स आइडिया और होगा, ट्रांस जेनरेशनल मीन्स, ट्रांस मीन्स के वो ट्रांसफर हो रही है, फ्रॉम जेनरेशनल मीन्स बिटवीन द जेनरेशन. So the transfer of the epigenetic information or epigenetic set of information between different generations or from parents to the offspring, ये आप अभी के लेक्चर में कवर करेंगे और हम different key concepts or key terms को जो है वो साथ साथ रिवाइज करेंगे. Contents of the lecture include what is epigenome, genetic imprinting क्या होती है, alterations of the epigenetics and DNA modifications. So before starting the lecture, पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि epigenetic modifications जो है वो 3 different types की होती है, वो कौन कौन सी है. मैम डीएनए मिथाइलेशन, नॉन कोडिंग आरएनए मेडिएटेड जीन साइलेंसिंग और हिस्टोन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन. नॉन मॉडिफिकेशन डीएनए मिथाइलेशन है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन है, एक और नॉन कोडिंग आरएनए रिलेटेड जीन साइलेंसिंग. वेरी गुड, ये वाली दोनों चीजें तो आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. मिथाइलेशन भी क्या होता है, जो आज का लेक्चर है ना वो इसके ऊपर, ठीक है. नॉन कोडिंग आरएनए का बॉडी में क्या रोल है और वो कैसे जो है वो जीन साइलेंसिंग करवा सकते हैं. और ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं, एपिजेनेटिक्स, एपिजिनोम, ये इनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने बहुत जरूरी है. So let's start with genomic imprinting. Now what is genomic imprinting? Genomic imprinting. और एपिजेनेटिक फिनोमेना जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब ये है कि हम जीन के एक्सप्रेशन को स्टडी करें कि कैसे जीन जो है वो एक्सप्रेस होंगे जब वो पेरेंट्स से जाके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे, ठीक है. तो दैट इज नोन एज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग. सो वी बेसिकली इनहेरिट टू कॉपीज ऑफ द जीन्स, वन फ्रॉम द मदर, वन फ्रॉम द फादर. यूजुअली बोथ कॉपीज ऑफ ईच जीन आर एक्टिव और टर्न ऑन. But in some cases, only one of the two copies is normally turned on. ठीक है, ये general एक concept है कि हम अपना genes को अगर हम देखेंगे कैसे transfer होते हैं, तो हम one copy of the gene भी देखें from the mother, one copy of the gene भी देखें from the father. So gene तो आपने ले लिए, but वो आगे जाके turn on होंगे या off होंगे, अब ये आपके epigenetics और आपके genetic expression के ऊपर dependent है कि वो gene जो है वो express होगा या नहीं होगा, वो काम करेगा या नहीं करेगा. So some genes are normally active only when they are inherited from a
person's father. Others are only active when they're inherited from a person's mother. This is known as genomic imprinting. Like how your genes are going to express themselves based on the epigenetic phenomena or based on the epigenome of your parents. Now, what is epigenome? It is the study of complete set of epigenetic modifications on the genetic material, and it tells the DNA to turn on and off. Epigenome, जैसे आप genome पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, हम आज epigenome पढ़ेंगे. और epigenome का meaning ये है कि इसमें हम complete set of epigenetic modifications को study करते हैं on the genetic material or the genes of your cell, which are telling the DNA to express themselves or to repress themselves or to stay silent. Now you can see this picture, okay? Abhi ek obese individual hai, and he's basically blaming his epigenome for being obese. Now, what is epigenome? It consists of a record of chemical changes to the DNA and histone proteins of an organism, and these changes can be passed down to an organism's offspring. यानी बच्चों देखो, जैसे अब आप लोगों की जो stage of life है, throughout your lifespan, अब आप जैसे जैसे जिस भी environment में रहोगे, जिस कौन सी type की आप diet consume करोगे, उन सब का इफेक्ट आपके जीन के एक्सप्रेशन पे हो रहा है और आपका एपिजीनोम जो है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, सो ये जो मॉडिफाई और ये जो मॉडिफिकेशंस आपके एपिजीनोम में आ रही हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं आपके, ये आगे पास डाउन होंगे इनटू दी अदर जनरेशन, इनटू योर ऑफस्प्रिंग. सो दिस फिनोमेना इज नोन एज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, और जो इंफॉर्मेशन आप पास डाउन कर रहे हो दैट इज नोन एज एपिजीनोम. यानी स्पेसिफिकली आप epigenetic changes or modifications के ऊपर हम focus करते हैं. So that is the transgenerational. Now what is transgenerational epigenetic inheritance? It basically refers to the epigenetic changes that are passed down to an organism's offspring. और epigenetic changes क्या क्या है? It includes DNA methylation, histone modification and non-coding RNA gene silencing. Now there are different factors which are affecting the epigenetics. ठीक है, कुछ environmental factors. ठीक है, जैसे आप लोग हैं, ठीक है, और वो कौन से ऐसे factors हैं जो कि आपके epigenome को change कर रहे हैं constantly और वो फिर आगे जाके जो है वो express होंगे. तो there are different environmental factors such as the addictive agents, nutrition or diet, prescriptive medicine, environmental pollutants, stress, and non-coding RNA. Addictive agents, for example, लेंगे आप लोग? जी, raise your hands और answer दें साथ में. Mam, nitrites. जी सर, सलमान. Mam, nitrates. Mam, drugs. Sulfite. Sugar and salt. Addictive agents की बात करें. Mam, drugs. Alcohol. Cocaine, heroin वगैरह. Addictive agents की बात करें. Mam, drugs. Alcohol. कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो एडिक्शन निकोटीन मैम, कैफीन. कैफीन है, वेरी गुड. अच्छा, ठीक है. अब कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिससे एडिक्शन होती है. फिर इसके बाद हमारे पास अल्कोहल है जिसमें एडिक्शन होती है, निकोटीन की एडिक्शन होती है, कैफीन की एडिक्शन. ठीक है जी बच्चों, तो ये डिफरेंट एडिक्टिव एजेंट्स हैं.
अब देखो एडिक्टिव एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो और आप रेगुलर बेसिस के ऊपर उनको कंज्यूम करते हो, तो कोई भी ऐसा एजेंट जो कि एडिक्टिव हो और जो जो आप कंज्यूम कर रहे हो रेगुलर बेसिस के ऊपर, वो आपके जीन के एक्सप्रेशन को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा और उससे आपके एपिजिनोम में चेंजेस आएंगे। न्यूट्रिशन और डाइट तो हम बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन और डाइट तो बहुत तरह से जो है जेनेटिक चेंजेस होता है। प्रिस्क्रिप्टिव मेडिसिन, अब आप कोई भी मेडिसिन जो आप जैसे क्रॉनिक डिजीजेस है, क्रॉनिक इलनेसेस है, अगर किसी इंडिविजुअल को क्रॉनिक इलनेस है और वो मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके एपिजिनोम में चेंजेस आते हैं उस कंजम्पशन से। एनवायरनमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, जिस टेम्परेचर में, क्लाइमेट टेम्परेचर में आप रह रहे हो, वो सारी चीज़ें जो है पोल्यूटेंट्स कितने हैं। जो लोग लाहौर में रहते हैं उनके एपिजिनोम में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं एज कम्पेयर टू दोज जो कि थोड़े साफ एरिया में रहते हैं, जैसे जो लोग दूसरे प्रोविंसेस में रहते हैं, क्योंकि लाहौर में जो है वो पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। तो एनवायरनमेंट की पोल्यूटेंट एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके जीन को, एक जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकता है, जीनोम को चेंज कर सकता है। स्ट्रेस, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस जो है इट इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देन नॉन कोडिंग आर एन ए, अब ये जो नॉन कोडिंग आर एन ए है ये है क्या, इट इज अ फंक्शनल आर एन ए मॉलिक्यूल विच इज ट्रांसक्राइब फ्रॉम डी एन ए बट नॉट ट्रांसलेटेड इन टू द प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये नॉन कोडिंग आर एन ए फंक्शन कैसे करता है, जो हमारे पास एक क्या कहते हैं, जो सिंपल हमारे पास इंफॉर्मेशन का, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है डीएनए से आरएनए में और फिर आगे जाके वो जाता है प्रोटीन्स में। सो जीन्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स और एंजाइम्स एक्सप्रेस होते हैं। यहाँ पे होती है ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर देगा, लेकिन जो मैसेंजर आर एन ए है वो आगे ट्रांसलेट नहीं होगा इनटू द प्रोटीन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉन कोडिंग आरएनए। सो नॉन कोडिंग आरएनए इज अ फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द डीएनए बट नॉट ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन्स। सो देयर आर डिफरेंट जी बच्चों, मैम ये जो स्ट्रेस है ये थर्मल स्ट्रेस है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में बात हो रही है? दोबारा बोलिए मैम, ये जो स्ट्रेस है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से रिलेटेड बात हो रही है या थर्मल स्ट्रेस? जनरल स्ट्रेस। बच्चों देखो स्ट्रेस तो बहुत सारे टाइप्स का है, ओवरऑल जो स्ट्रेस है किसी भी टाइप का वो आपके जीन एक्सप्रेशन को चेंज करता है। और कोई भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो गया, किसी डिजीज की वजह से स्ट्रेस है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है। तो किसी इंजरी की वजह से आपके स्ट्रेस, बॉडी स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस एक इटसेल्फ जो है वो फ्री रेडिकल्स बनाता है आपकी बॉडी में और उसकी वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ओवरऑल हमने अभी हम जो रेफर कर रहे हैं, हम ओवरऑल स्ट्रेस को रेफर कर रहे हैं। एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस विल लीड टू द चेंज इन योर जीन एक्सप्रेशन। एनवायरमेंटल एक्सपोजर, ये एक रिसर्च हुई भी है और इसमें ये देखा गया है कि अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एक्सपोजर ऑफ टू द पेरेंट्स इट विल प्रीडिस्पोज और इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग टू डेवलप द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, मीनिंग दैट इफ अ पेरेंट is exposed to such environmental factors or extreme environmental factors, they might predispose or increase the chances or the risk of the offspring to develop the neurodevelopmental disorders such as attention deficit hyperactivity disorder ADHD, autism, learning disabilities, intellectual disability, mental retardation,
and impairment in the vision and hearing. ये एक रिसर्च हुई थी और इसमें देखा गया था कि आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स इतना इफेक्ट कर सकते हैं कि आपके ऑफस्प्रिंग में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो कॉमन हो या वो इंक्रीज कर देते हैं चांस ऑफ द रिस्क ऑफ द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. अब आप यहाँ पे सो फार आप लोग जो है वो डिफरेंट टर्म्स जो है वो रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. जैसे कि हमने एपिजेनेटिक्स को पढ़ा, फिर इसके बाद मैंने आपको जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन और जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी भी बताया था कि वो क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ जो प्री डिस्पोज का मीनिंग है वो यही है कि जो भी आपका एनवायरमेंट होगा वो डिपेंड वो इंक्रीज करेगा रिस्क ऑफ अ डिजीज इन द ऑफस्प्रिंग या लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ. सो प्री डिस्पोजिशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन. ऑटिज्म क्या होता है? इट रेफर्स टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ कंडीशंस व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चैलेंजेस विद द सोशल स्किल्स एंड रिपीटेटिव बिहेवियर एंड दे आल्सो हैव डिफिकल्टी इन स्पीच एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Let's discuss the non-coding RNA. अब ये जो non-coding RNA है ये 3 different types में classify होता है. We have miRNA which is micro RNA. Then siRNA they are small interfering or silencing RNA. And lastly we have piRNA they are PV interacting RNA. Micro RNA are the endogenous gene silencers. They repress the target messenger RNA at a translational level. ठीक है, यही बात है कि जो non-coding RNA है, it is classified into miRNA, siRNA, and piRNA. अब ये तीनों की full form आप लोगों को पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हम non-coding RNA को कैसे classify कर सकते हैं. माइक्रो आरएनए जो है वो जीन साइलेंसर्स है और ये बेसिकली जो मैसेंजर आरएनए है एट ट्रांसलेशनल लेवल इसको टारगेट करती है. और पीवी इंटरैक्टिंग आरएनए पीआईआरएनए दे आर द रेगुलेटरी प्रोटीन्स रिस्पांसिबल फॉर द स्टेम सेल एंड जर्म सेल डिफरेंशिएशन. फंक्शन ऑफ द 3 मेजर क्लासेस ऑफ द शॉर्ट नॉन कोडिंग आरएनए. अभी जो नॉन कोडिंग आरएनए है ये बेसिकली एपिजेनेटिक चेंजेस लेके आ रहे हैं जीन साइलेंसिंग करते हैं. सो दे आर इन्वॉल्वड इन हिस्टोन मॉडिफिकेशन डीएनए फाइलेशन एंड जीन साइलेंसिंग. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जीन साइलेंसिंग? जीन साइलेंसिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, ट्रांसक्रिप्शनल एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल. ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग इज द result of histone modification creating an environment of heterochromatin around a gene that makes it inaccessible to transcriptional machinery such as RNA polymerase and transcription factors. देखिए बच्चों, अगर translation जो है वो इस level के ऊपर हो रही है जहाँ पे DNA की methylation और histone की modification हो, हम उसको कहते हैं transcriptional gene silencing. ठीक है, एक ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग होती है और दूसरी जो है वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग PTGS. और ये जो PTGS है ये इस ट्रांसलेशनल लेवल के ऊपर होती है. ठीक है, तो ये एक टाइप है और ये दूसरी टाइप है. इस लेवल पे होगी इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शनल, इस लेवल के ऊपर होगी इट इज नोन एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग PTGS. MicroRNAs, they are responsible for the post-transcriptional gene silencing. MicroRNAs bind to the RNA and prevent their translation into the proteins. अगर हम इसको देखें, DNA जो है वो RNA में transcribe हो रहा है, लेकिन messenger RNA आदि further proteins में translate नहीं होते. सो माइक्रो आर एन ए इस लेवल के ऊपर, ये जो माइक्रो आर एन एज है इस लेवल के ऊपर काम करते हैं. माइक्रो आर एन एज आर दी टाइप ऑफ नॉन कोडिंग आर एन ए.
ये आप लोगों ने नहीं भूलना, mRNA और mRNA में डिफरेंस है. mRNA इज द मैसेंजर RNA, mRNA इज द माइक्रो RNA. MicroRNA is basically a type of non-coding RNA which is responsible for gene silencing. And mRNA, it is the messenger RNA, and it is responsible for the translation of the genetic information into the proteins. Dono ke function mein difference hai. Opposite function hai. Now, what is the difference between TGS and PTGS? TGS kya hai? Transcriptional gene silencing, and PTGS is referring to the post-transcriptional gene silencing. Transcriptional gene silencing involves decreased RNA synthesis because of the promoter methylation. So RNA ka synthesis jo hai wo kam ho jayega agar DNA ki methylation ho ya histone mein modification ho jaye. Aur post-transcriptional gene silencing involves the sequence-specific RNA degradation. तो ये नॉन कोडिंग आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए की डिग्रेडेशन करता है सीक्वेंस स्पेसिफिक, और उसकी वजह से मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन्स में ट्रांसलेट नहीं होते. सेंट्रल डॉग्मा एक थ्योरी है, और ये जनरल एक थ्योरी है जो कि हम जो ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे होती है, दैट इज बेसिकली द सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी. जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कोडेड इन सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, ठीक है, यानी ये जो हमारा डीएनए है इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन है. इट अंडरगोस द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर टू द मैसेंजर आरएनए इन ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के ट्रांसक्राइब होगा इन टू द मैसेंजर आरएनए. And these messenger RNA act as a template for the protein synthesis in the translation. और फिर ये RNA जो है वो proteins में translate होगा. तो यही इन्होंने explain किया है, DNA से RNA और protein में translation हो रही है. आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा PTGS है वो इस level के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ पे post transcription. और ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग जो है वो आरएनए से डीएनए, यानी जब डीएनए की इंफॉर्मेशन जो है वो आरएनए में नहीं होगी क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है. तो ये डिफरेंस है दोनों में. नाउ लेट्स डिस्कस द रोल ऑफ डाइट इन मॉड्यूलेटिंग द एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ आरएनए. अब हम क्योंकि डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और हम ये देख रहे हैं कि भाई जो माइक्रो आरएनए और नॉन कोडिंग आरएनए है वो जीन साइलेंसिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है. तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स या आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट जो है वो माइक्रो आरएनए की एक्टिविटी और फंक्शन को कैसे अफेक्ट कर सकती है. फंक्शंस ऑफ माइक्रो आरएनए, ठीक है, ये तो आप लोगों को फिंगर टिप्स में जाना चाहिए कि माइक्रो आरएनए जो है वो जीन साइलेंसिंग करवाता है बाय translational repression and messenger RNA degradation. yani translation hi hone deta aur messenger RNA ki degradation hoti hai microRNA se. microRNA is responsible for the post transcriptional gene silencing and control gene expression in diverse biological processes such as development, differentiation, cell proliferation, metabolism and inflammation. जो बेसिक आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उन सब में माइक्रो आरएनए जो है वो आपके जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है. और ये आप जानते हैं कि ये जितनी भी आपके सामने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो डिजीज हो सकता है, जैसे कि कैंसर भी हो सकता है, एसिडिटी भी हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकता है, सब बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की डिस्टर्बेंस है. microRNAs, circulating microRNAs are the biomarkers of diet and nutritional status. Circulating microRNAs may reflect vitamin D intake or status. microRNAs respond to the zinc depletion which was associated with the inflammation. Then microRNAs are also the biomarkers of different diseases such as CVD, cancer, diabetes, liver disorders.
अब आप लोग मुझे ये बताएं व्हाट आर बायोमार्कर्स. ट्यूमर सेल्स को इंडिकेट करते हैं मैम. मार्कर्स होते हैं डिफरेंट लोकेशन पे जो कि ट्यूमर्स को इंडिकेट करते हैं. वेरी ठीक है. बायोमार्कर्स जो हैं वो डिफरेंट डिजीजेस को इंडिकेट करते हैं, उनकी प्रेजेंस को या उनको डिटेक्ट करने में एक रोल प्ले करते हैं. अभी जो हमारे नॉन कोडिंग आरएनए में माइक्रो आरएनए है ना, ये एज अ बायोमार्कर यूज किया जाता है. यानी ये आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए भी यूज किया जाता है और डिफरेंट डिजीजेस में भी इसको स्टडी किया जाता है. और डाइट की अगर मैं बात करूँ या न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करूँ तो स्पेसिफिकली विटामिन डी और जिंक के स्टोरेज लेवल्स जो हैं उसमें माइक्रो आरएनए का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. यानी हम माइक्रो आरएनए को एज एन इंडिकेटर स्टडी कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद माइक्रो आरएनए एंड कैंसर. So according to the research, variant regulation or the expression of microRNAs leads to the development of cancer. A variant means abnormal. तो अगर microRNAs की कोई abnormal expression हो जाए आपकी body में तो उससे cancer हो सकता है. और specifically ये cancer में जो है वो tumor initiation और progression को affect करता है. So microRNAs are associated with the tumorigenesis, including proliferation, differentiation, and apoptosis. Now let's discuss the role of diet, cancer, and microRNAs. तो अब ये देखा गया कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, इनको स्टडी किया गया था कि अगर कोई इंडिविजुअल ये कंज्यूम कर रहा है तो उसके माइक्रो आर एन एस के ऊपर क्या चेंज आएगा, उसके माइक्रो आर एन ए के एक्सप्रेशन पे क्या चेंज आएगा, और फिर उससे कैंसर में क्या रोल प्ले करेंगे माइक्रो आर एन एस या डाइटरी फैक्टर्स. तो सबसे पहले जो है वो कर्क्यूमिन को स्टडी किया गया. कर्क्यूमिन जो है, व्हाट इज कर्क्यूमिन? A non-nutrient of turmeric. Turmeric. Very good. ठीक है. अभी जिंजर में होता है. कर्क्यूमिन जो है वो टर्मेरिक में होता है और टर्मेरिक जो है बेसिकली हेल्दी है. तो क्या कहते हैं, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट कर्क्यूमिन अपरेगुलेट्स द सेल ग्रोथ एंड एपोप्टोसिस ऑफ द कैंसर सेल्स. देन ग्रीन टी और ग्रीन टी में स्पेसिफिकली कैटेकिन्स को स्टडी किया गया. दे इनहिबिट द अपरेगुलेशन ऑफ कैंसर सेल प्रोलिफरेशन. स्पिनच, इट अपरेगुलेट्स द इनहिबिशन ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन. सो अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो डिफरेंट डाइटरी फैक्टर्स हैं ये कैंसर को प्रिवेंट करने में क्या रोल प्ले करते हैं. तो कर्क्यूमिन जो है वो एपोप्टोसिस को अपरेगुलेट करता है, ग्रीन टी जो है वो सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करती है, और स्पिनच जो है वो स्पेसिफिकली ट्यूमर फॉर्मेशन को इनहिबिट करने में रोल प्ले करेगी जीन लेवल पे. पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो 11 ग्राम ऑफ फिश ऑयल को स्टडी किया गया पर 100 ग्राम ऑफ की डाइट. एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स PUFAs जो होते हैं polyunsaturated fatty acid, they upregulate the apoptosis. Now role of the diet, CVD and microRNAs. यानी dietary factors जो हैं वो CVD में क्या रोल प्ले करेंगे. So grape seed में pro anthocyanidins present होते हैं और cocoa powder में जो pro anthocyanidins present होते हैं उनको study किया गया. ये दोनों जो है bioactive compounds है और basically इन bioactive compound का effect देखा जा रहा है on the gene expression of the microRNAs which are leading to the CVD. So according to the result, grape seed and cocoa down regulated the inflammation and inflammatory factors such as NFKB and PPAR alpha. अब लिवर डिजीज़ में भी इसको देखा गया. तो कर्क्यूमिन जो है वो लिवर फिब्रोसिस को डाउन रेगुलेट करते हैं. देन दे आल्सो स्टडीड द वेस्टर्न टाइप ऑफ डाइट. अब आप लोग मुझे ये बताएं कि व्हाट डू यू नो अबाउट वेस्टर्न टाइप ऑफ डाइट, या इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं.
मैम नहीं पता। चलो सोचो, गूगल करो। आई गेस टेक ऑफ मीट, रेड मीट। ठीक है, वेरी गुड, हाई इनटेक ऑफ रेड मीट है। मैम फिर ये मैंडेटरी डाइट से ऑपोजिट तो नहीं है? नहीं, वेस्टर्न डाइट जो वेस्ट के लोग कंज्यूम करते हैं। यस मैम, ये मॉडर्न डाइट है और इसमें ड्राइड फूड, कैंडीज और स्वीट्स भी होते हैं और बटर। मैम स्वीट तो जनरली सोचो, जो लोग वेस्ट में रहते हैं वो क्या खाते हैं, उनकी डाइट में क्या होता है, मेन फीचर्स क्या है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। मैम हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट हो गया, स्ट्रिप्स हो गए, रेड मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स में होगा। और ऐसा आपने भी बिल्कुल सही कहा, जो वेस्टर्न डाइट है उसके मेन फीचर्स अगर हम देखें तो वो हाई फैट प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं, डेयरी का इंटेक ज्यादा है, रेड मीट का इंटेक ज्यादा है, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उतने कंज्यूम नहीं होते हैं वहाँ पे, और फास्ट फूड और सोडा ड्रिंक्स और इस तरह की जो बेवरेजेस हैं वो भी वहाँ पे एक्सेसिवली कंज्यूम, हाई शुगर ड्रिंक्स जो होती हैं वो एक्सेसिवली वहाँ पे कंज्यूम की जाती है। ये बिल्कुल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेस्टर्न डाइट। मैम तो मैंडेटरी डाइट के ऑपोजिट ही है। सारी चीजें जो उसके बीच में वो होती हैं हेल्दी, वो इसमें नहीं है। सो जो ये वेस्टर्न डाइट है बेसिकली हाई फैट डाइट होती है और सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स जो है उनका कंटेंट भी इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, तो वेस्टर्न डाइट को स्पेसिफिकली स्टडी किया गया और बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट बच्चों आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट्स के बारे में पता होना चाहिए, ये बिल्कुल जनरल सी बातें हैं। और एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ जी, तो क्या कहते हैं, तो वेस्टर्न डाइट है उसका इफेक्ट देखा गया लिवर डिजीज़ में, और वेस्टर्न डाइट जो है वो डाउन रेगुलेट करती है mRNA को इन दी फैटी लिवर डिजीज, और इसके अलावा अप रेगुलेट करती है हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल को, और फैटी एसिड और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी अप रेगुलेट करती है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न डाइट है वो लिवर को एडवर्सली इफेक्ट करती है। ठीक है, अभी बहुत इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, समराइज होनी है ये फ्लो। बेसिकली लिवर के ऊपर जो है इसको स्टडी किया गया है, रैट लिवर पे डिफरेंट फूड को और डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट्स को। तो ग्रेप सीड्स में जो प्रो एंथोसियानिन्स हैं वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, यानी जो आपके रैट के हेपेटोसाइट्स थे यानी लिवर सेल्स जो थे उनमें फैटी एसिड का सिंथेसिस कम हो रहा था और कोलेस्ट्रॉल कम था। अगर कोई विटामिन ई डेफिशिएंट डाइट दी जाए तो उसका एडवर्स इफेक्ट था ऑन द लिवर, इट बेसिकली प्रमोट्स द लिवर डिजीजेस एंड डाइट इंड्यूस्ड ओबेसिटी। हाई फैट डाइट जो है और कोलीन एंड फोलेट डेफिशिएंट डाइट, ऑल ऑफ दीज थ्री डिफरेंट डाइट्स वर एडवर्सली डाउन रेगुलेटिंग द माइक्रो आरएनए लेवल्स इन योर बॉडी एंड इंक्रीजिंग द लिवर डिजीजेस एंड डाइट इंड्यूस्ड ओबेसिटी। कॉफी पॉलीफिनोल्स जो है वो भी लिवर डिजीज को कम करने में, प्रिवेंट करने में रोल प्ले करते हैं बाय डिक्रीजिंग द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड बाइल एसिड सिंथेसिस। क्वर्सेटिन, क्वर्सेटिन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, व्हाट इज क्वर्सेटिन? जी क्वर्सेटिन क्या है मैम? कोलन कैंसर को मतलब रिड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन क्वर्सेटिन की सोर्सेस क्या है? Quercetin is basically a bioactive component और ये
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, अगर मैं फ्रूट्स में स्पेसिफिकली एप्पल्स में जो है ये क्वर्सेटिन प्रेजेंट होता है, और इसको स्टडी किया गया और देखा गया कि ये लिवर डिजीज को भी प्रिवेंट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ टॉक्सिक डाइट्री कॉपर, इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक डाइट्री कॉपर, कंजम्पशन ऑफ द कॉपर through diet leads to the increased risk of hepatitis by abnormally affecting the liver function such as ALT, AST or bilirubin. The liver enzymes hain, liver function mein jo role play kar rahe hain, ye unko disturb karta hai copper aur uski wajah se hepatitis hota hai. Ab ye copper toxicity kaise hoti hai, ya toxic dietary copper ka meaning kya hai? So copper toxicity can occur from eating the acidic food which is cooked in the uncoated copper cookware, or from the exposure to excess copper in the drinking water or other environmental sources. So agar koi bhi aise cookware mein hum acidic food rakhe jo ki copper ka ho, usse food ke through copper jo hai wo diet mein jata hai aur copper ki toxicity aapki body mein ho sakti hai. Aur iske sath sath water mein agar contamination ho कॉपर की तो उससे भी कॉपर टॉक्सिसिटी हो सकती है. हमने ये स्टडी किया है कि कॉपर टॉक्सिसिटी जो है वो बेसिकली आपके लिवर फंक्शन को एडवर्सली अफेक्ट करती है और उससे हेपेटाइटिस होता है. कोलीन भी आपने स्टडी किया था, तो कोलीन और फोलेट की अगर डेफिशिएंट डाइट हो तो उससे भी लिवर के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है, यानी आपके लिवर डिजीजेस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. तो सोर्सेज ऑफ कोलीन इंक्लूड्स एग, लिवर एंड पीनट्स, दे आर रिच सोर्सेज ऑफ कोलीन. That's it for today's lecture. Any questions? No, ma'am.